ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल विथ स्पेशल नीड्स. पीपल हैव स्पेशल नीड्स इन द फॉलोइंग केसेस. अब लोगों को स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट कौन कौन से केसेस में हो सकती है. फर्स्ट, व्हेन दे हैव फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज. सेकंड, व्हेन दे आर ओल्ड और सिक. तो पहला केस तो क्या हो सकता है, जब वो क्या है फिजिकली और मेंटली क्या है डिसेबल है. ओके, सेकंड क्या हो सकता है, जब कोई पीपल क्या है या कोई पर्सन क्या है ओल्ड है या फिर सिक है. ओके, मींस बूढ़ा है और बीमार है. तो इन दोनों केसेस में क्या होती है, उसे स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज. ओके, तो ये क्या होता है इसमें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ, इफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन डू नॉट वर्क इन अ नॉर्मल मैनर द पर्सन इज सेड टू हैव अ फिजिकल डिसेबिलिटी. अब किसी भी पर्सन के, ओके, किसी भी पर्सन के जब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा पार्ट जो होते हैं, ओके, मींस बॉडी पार्ट जो है वो नॉर्मल मैनर में वर्क नहीं करते हैं, ओके, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी. मींस उस पर्सन में क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है. ओके, पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज आइदर बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी इन लाइफ. अब कौन कौन से केसेस में जो पर्सन है वो फिजिकली डिसेबल हो सकता है, देखो, या तो क्या है वो जन्म से ही है, ओके, मींस जब उसका जन्म हुआ तभी से वो क्या है फिजिकली डिसेबल है. और दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो उसको उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई इंजरी उसे हो जाए, ओके, मींस कहीं गिर जाए कर जाए, तो उससे भी क्या होती है कभी कभी फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है. सम पीपल सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज दियर सेंस ऑर्गन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. सम सच प्रॉब्लम्स आर, ओके, फर्स्ट इज ब्लाइंडनेस, सेकेंड इज डेफनेस एंड थर्ड इज डमनेस. ओके, तो देखो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं. अब कुछ कुछ लोग जो है इन प्रॉब्लम से कब सफर करते हैं, जब उनके जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से वर्क नहीं करते, ओके, मीन्स कुछ ना कुछ उनके सेंस ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होती है, ओके, तो इस वजह से क्या होता है उनका जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है. तो उनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट इज ब्लाइंडनेस. तो ब्लाइंडनेस क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी, ओके, मींस नॉट बीइंग एबल टू सी, ओके, मींस जब पर्सन देख नहीं सकता, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंधा, ओके. सेकेंड, डेफनेस, नॉट बीइंग एबल टू हियर, मीन्स जिसमें पर्सन क्या है सुन नहीं सकता. थर्ड, डमनेस, नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. तो थर्ड जो है इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो बोल नहीं सकता है, ओके. एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे गिवन है, पीपल हु कैन नॉट हियर आर ऑफ्टन अनएबल टू स्पीक. अब जो पर्सन क्या है सुन नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बोल नहीं सकेगा, ओके, तो उस पर्सन में क्या हो गई, दो तरह की क्या हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, ओके. सम पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली एज दियर लेग्स डू नॉट फंक्शन नॉर्मली. दे मे यूज क्रचेस और अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड. अब कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से चल नहीं पाते, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ओके, मींस एक नॉर्मल पर्सन के जो लेग्स होते हैं जिस अकॉर्डिंग वो चलते हैं, तो उनके पैरों में क्या होती है कुछ प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो क्या होते हैं प्रॉपरली चल नहीं पाते. दे मे यूज क्रचेस और अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड. अब वो जो पर्सन जिनके पैर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, लेग्स वर्क नहीं करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, क्रचेस. क्रचेस क्या होती है, बैसाखी, ओके, जैसे आपने देखा होगा शोल्डर्स के नीचे यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ लोग, एक वुडन का वो होता है सपोर्ट, ओके, तो वुडन सपोर्ट जो होता है उसका यूज करते हैं, ओके, और क्या कर सकते हैं, यूज व्हील चेयर, ओके, जैसे यहाँ पे देखो एक बॉय है जो किसमें बैठा है, व्हील चेयर में, ओके. ऑल दीज पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज. तो ये सभी पीपल क्या होते हैं, फिजिकली डिसेबल होते हैं, ओके, तो इन सब में क्या होती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है. सम पीपल सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम वेयर अ पार्ट ऑफ दियर ब्रेन्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली. दिस मे इट डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड थिंग्स. अब
कुछ लोगों में क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है, उनका जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, और इस वजह से क्या होता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ओके, जब उनका ब्रेन ही वर्क नहीं करेगा तो वो कैसे समझेंगे कोई चीज़, है ना। तो दे मे बी स्लो एट लर्निंग न्यू थिंग्स, तो इस वजह से क्या होता है, उन्हें नई नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, मीन्स वो बहुत स्लो समझते हैं। दिस पीपल हैव मेंटल डिसेबिलिटीज। ओके, तो इस टाइप के जो भी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, मेंटल डिसेबल होते हैं, और उन लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज, मीन्स उन लोगों में क्या है, मेंटल डिसेबिलिटीज है। ओके, उन लोगों को तो क्या कहेंगे हम, मेंटल डिसेबल। ओके, और उसमें क्या है, मेंटल डिसेबिलिटीज है। ओके, पीपल विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज नीड आवर सोशल केयर एंड अटेंशन, वी शुड बी फ्रेंडली टू दैम एंड ट्राई टू हेल्प दैम, वी कैन रीड आउट बुक्स टू द ब्लाइंड, वी कैन लर्न साइन लैंग्वेज टू टॉक टू दोज हु कैनॉट हियर और स्पीक। तो जो लोग क्या होते हैं, फिजिकली और मेंटली डिसेबल होते हैं, ओके, तो उन लोगों को क्या होता है, हमारी स्पेशल केयर और अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, मतलब खुद पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। ओके, मीन्स उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्या होना चाहिए, उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे वो क्या हो सकते हैं, हमें इजीली अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या करें, जो उनकी बुक्स होती है, जैसे कुछ साइन लैंग्वेजेस होती हैं, उनको हम पढ़ें और देखें, समझें कि मीन्स हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो गिवन है, वी कैन रीड आउट बुक्स टू द ब्लाइंड, तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, एंड वी कैन लर्न साइन लैंग्वेजेस टू टॉक टू दोज हु कैनॉट हियर और स्पीक, तो हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेल। नाउ क्लोज योर आईज, नाउ ट्राई टू राइट योर नेम इन योर नोटबुक, इज इट डिफिकल्ट। तो देखो आपको क्या बोला है, आप अपनी आईज क्लोज करें, अब अपना नेम जो है वो नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। क्या ये डिफिकल्ट है? ओके, मीन्स आपने जब लिखा बिना देखे, ओके, आईज क्लोज करके, तो क्या आपको उसमें डिफिकल्टी महसूस हुई, डिफिकल्टी फील हुई? ओके, अब ऐसा होता है तो वो क्यों, वाई, आपको ये रीजन लिखना है। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम ब्लाइंड पीपल वर अनेबल टू रीड और राइट लाइक द रेस्ट ऑफ अस टू। तो बहुत पुराने टाइम से जो ब्लाइंड लोग थे वो क्या थे, अनेबल थे, मीन्स वो पढ़ नहीं सकते थे ना ही लिख सकते थे। जैसे अब देखो हमने ऊपर ट्राई किया तो हम भी लिख नहीं पाते इजीली। ओके, तो सेम यही केस क्या होता था, जो ब्लाइंड पीपल थे उनके साथ भी होता था। ओके, नाउ ऑलमोस्ट 200 इयर्स अगो अ 15 इयर्स ओल्ड बॉय नेम्ड लुईस ब्रेल केम अप विद अ स्क्रिप्ट विच अलाउड ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट। ओके, अब लगभग 200 साल पहले, ओके, एक 15 ईयर का ओल्ड बॉय, ओके, मीन 15 साल का लड़का, जिसका नेम क्या था, लुईस ब्रेल, आता है विथ अ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट के साथ। ओके, और वो स्क्रिप्ट क्या अलाउ करती थी, ब्लाइंड पीपल को रीड एंड राइट करना। ओके, मीन्स वो जो स्क्रिप्ट थी वो एक ऐसे लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाती थी जो क्या थे, अंधे थे। ओके, दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल, इस स्क्रिप्ट का नेम क्या था, ब्रेल। इट इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वेयर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग रेस्ड डॉट्स विच कैन बी फेल्ट विथ अ फिंगर। तो जो ब्रेल था वो क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, पढ़ने का और लिखने का, जिसमें क्या होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, ओके, मीन्स जो अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, यूजिंग रेस्ड डॉट, मीन्स डॉट शेप की एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, रेस्ड होती है, ओके, थोड़ी उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है।
जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिंगर की हेल्प से फील कर सकते हैं. सिंस द ब्लाइंड कैन नॉट रीड विथ देयर आईज. ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो अपनी आंखों से पढ़ नहीं सकते. दे आइडेंटिफाई द लेटर्स बाय टचिंग द रेज्ड डॉट्स विथ देयर फिंगर्स. तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लेटर्स को टच करके. ओके, जो रेज्ड डॉट होते हैं ना, जैसे उठे हुए उभरे हुए से रहते हैं, तो उनको टच करके वो क्या करते हैं, फील करते हैं, उनको पहचानते हैं कि कौन सा लेटर है. ओके, लुइस वॉज ब्लाइंड हिमसेल्फ बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड एंड राइट ही क्रिएटेड दिस स्क्रिप्ट, सॉरी दिस स्पेशल स्क्रिप्ट. ओके, तो जो ब्रेल लुइस था, सॉरी लुइस ब्रेल था, वो भी क्या था, ब्लाइंड था. वो खुद भी ब्लाइंड था, बट उसकी क्या थी, पढ़ने लिखने की बहुत इच्छा करती थी. ओके, तो इसी वजह से उसने क्या किया, ये स्पेशल स्क्रिप्ट क्रिएट की. ओके, और उसने खुद के लिए तो क्या किया, किया ही वो सब, लेकिन उसने जो ब्लाइंड पीपल थे उनके लिए भी बहुत इसमें हेल्प करी, जिससे क्या है, ब्लाइंड पीपल अब इजीली क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, मीन्स लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं.